क्या हम गूगल इमेज अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं वो विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमाद 946 एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि कंपैरिजन बिटवीन गूगल इमेजेस वर्सेस फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट। कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गूगल इमेजेस को कैसे हम लोग डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं वो विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक या विदाउट कॉपीराइट क्लेम के। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वो मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे गूगल इमेज अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक के। तो चलते हैं हम अपने कंपैरिजन की तरफ। यहाँ कंपैरिजन बिटवीन फ्री स्टॉक इमेजेस वर्सेस गूगल इमेजेस, तो बात करते हैं हम लोग गूगल इमेजेस की। सबसे पहले तो गूगल इमेज पे हम जाते हैं, सबसे पहले तो लाइसेंस का इशू वहाँ पर आता है। आप जो पिक्चर उठा रहे होते हैं अपने कमर्शियल के लिए, अपने जो भी प्रोजेक्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप वहाँ पर कर रहे होते हैं। अब लोकल मार्केट में अगर आप किसी को देते हैं तो वो हो जाएगा, बट आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि आप ऑनलाइन लगाना चाहते हैं लाइक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। और किसकी तरफ से? जिसका ये जो पिक्चर आप उठाएंगे जिसका ये अथॉरिटी होगी। अब बहुत सारे जो गूगल इमेजेस होते हैं वो स्ट्राइक या क्लेम वगैरह तो नहीं बेचते, बट बीच में कुछ ऐसी इमेजेस ज़रूर होती हैं जो कि अथॉरिटी जिनके पास होती है, जिनके पास लाइसेंस होता है, वो नहीं चाहते कि आप उनकी इमेज यूज़ करें, जिसकी वजह से आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट्स को देखें तो वहाँ पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलती हमें, कोई भी मतलब के लाइसेंस वगैरह हमें नहीं परचेस करना पड़ता या किसी की अथॉरिटी लेनी पड़ती हमें। हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में और यूट्यूब पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट जाता है फ्री स्टॉक इमेज वेबसाइट्स को। तो सेकंड कंपैरिजन ये है कि जब गूगल इमेजेस हम सर्च करते हैं तो वो जस्ट हमें एक गूगल इमेजेस सर्च करके दिखाता है। मतलब कि अगर आप कुछ वेजिटेबल्स लिखते हैं तो आपको सारी इमेजेस एक टैब में शो करेगा और उसी को आप स्क्रॉल डाउन करके वहां से अपनी कोई इमेज उठा सकते हैं। बट कंपैरिजन किया जाए फ्री स्टॉक इमेजेस में तो आपको एक तो बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट्स पे। तो कंपैरिजन बिटवीन अगर इन दोनों को देखा जाए तो हमें फ्री स्टॉक इमेजेस में अब बहुत सारी वेबसाइट्स भी मिल रही हैं, जबकि अगर गूगल इमेज की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से हम अपनी इमेजेस सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनदर पॉइंट गोज टू फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट्स। थर्ड कंपैरिजन रेजोल्यूशन पे। अब रेजोल्यूशन की बात की जाए तो गूगल इमेज पे रेजोल्यूशन आपने खुद भी सर्च किया होगा कोई इमेज, तो बहुत कम रेजोल्यूशन में हमें इमेजेस या पिक्चर्स या वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज हमें देखने को मिलती है वो यहाँ से उठाई गई होती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से गूगल इमेज में जो पिक्चर्स आ रही होती हैं वो फ्री स्टॉक इमेजेस से उठाई गई होती हैं, या फिर गूगल खुद अपनी सर्च जो हम करते हैं वो सर्च ऐसा करता है, ऐसा एल्गोरिथम उसका बना हुआ है जो कि खुद फ्री स्टॉक इमेजेस से अपनी पिक्चर्स उठा के गूगल पे शो करता है। तो आप वहाँ से वो आपकी लक होगी कि आप कैसे फ्री स्टॉक इमेजेस उठा सकते हैं एज अ गूगल पे रह के। रेजोल्यूशन की हम बात करें कि रेजोल्यूशन पे देखते हैं हम कि गूगल इमेज की रेजोल्यूशन बहुत लो क्वालिटी होती है, कोई इमेजेस इतनी लो होती हैं कि अगर हम उसे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं उसके पिक्सल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर हम जो एक पिक्चर हमें गूगल इमेज से अच्छी लगती है अब वो हम डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उसकी रेजोल्यूशन बहुत लो है, बट जो हम प्रोजेक्ट अपना कर रहे हैं जिसमें यूज़ करना है हमें गूगल इमेज को, अगर हम इमेज को थोड़ा बड़ा करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन डैमेज हो जाती है और वो ब्लर सा देखने लग जाता है और आपकी इमेज बिल्कुल डैमेज हो जाती है और आपका जो प्रोजेक्ट होता है बहुत फीका फीका सा देखने लग जाता है, क्योंकि वो इमेज के पिक्सल्स बहुत छोटे और बहुत कम होते हैं।
अब कंपेयर किया जाए यहाँ पर फ्री स्टॉक इमेज में, तो फ्री स्टॉक इमेज में रेजोल्यूशन हमें काफ़ी हाई क्वालिटी देखने को मिलती है, लाइक 1080, लाइक 1920x1080, 1080x720, उस तरह 4K तक हमें फ्री स्टॉक इमेज में क्वालिटी और रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो बैक पे पिक्चर आपको दिख रही है, ये भी मैंने एक फ्री स्टॉक इमेज वेबसाइट से पिक्चर उठाई है, जिसकी क्वालिटी आपके सामने है और आपको दिख रही है कितनी अच्छी क्वालिटी में हमें पिक्चर फ्री स्टॉक से मिल जाती है। तो कंपैरिजन नंबर 4, तो कंपैरिजन नंबर 4 हम कॉपीराइट स्ट्राइक पे करते हैं कि क्या हमें फ्री स्टॉक इमेज में कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। नो, क्योंकि फ्री स्टॉक इमेज वेबसाइट्स हमें फुल अथॉरिटी देती हैं कि आप उनकी इमेज विदाउट लाइसेंस के यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप वो यूज़ करना चाहते हैं, आप फ्री टू यूज़ कर सकते हैं। बट कंपेरिजन टू गूगल इमेज की जाए तो डोंट, आपको नहीं पता जो आप इमेज उठा रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे लगाने के लिए क्या वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं, क्या वो जो आप उठा रहे हैं उसके बैक पे कौन सी वेबसाइट है और वो चाहते भी हैं कि उनकी इमेज यूज़ की जाए अपने प्रोजेक्ट्स में, आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं अपनी मर्जी से। बट यहाँ पर काफ़ी हाईली रिस्क हो सकता है कोई कोई इमेजेस में, बट यहाँ पर बिल्कुल कोई रिस्क आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप रिस्क लेते हैं तो वो आप पर डिपेंड करेगा कि बाद में किस शक्ल में आपको भुगतना पड़ सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम या फिर व्हाटएवर जो भी हो। बाय द वे, मैं डरा नहीं रहा। अब बीच में बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती हैं जो कि आप लगा सकते हैं, आप यूज़ करते हैं, आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भी आती, बट कोई इमेजेस ऐसी होती हैं जिनके ऑनर्स नहीं चाहते कि आप वो यूज़ करें। कंपैरिजन नंबर 5, तो कंपैरिजन नंबर 5 ये है कि थोड़ा कंपैरिजन जो है ये सेपरेट है, सेपरेट इस तरह है, क्या जो आप, अगर ये फोटोग्राफर जो है उनके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर वो अपने फ़ोटो सेल्स कर सकते हैं। अब फोटो सेल्स करने से याद आया कि मैं एक ऑलरेडी वीडियो शटर स्टॉक पे बना चुका हूँ कि आप अपनी इमेजेस कैसे शटर स्टॉक पे अपलोड करके अर्न कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। तो बात यहाँ पर ये है कि क्या अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आप अपनी इमेजेस फ्री स्टॉक इमेजेस पे लगा के अर्न कर सकते हैं, जबकि गूगल की बात की जाए तो आप no earn, because Google don't pay you for your images. Free stock images की बात की जाए तो कहाँ से, अगर आप फोटोग्राफर नहीं भी हैं तो आप कहाँ से कैसे इमेज उठाएंगे और कैसे किसी और वेबसाइट पे सेल आउट करेंगे। आने वाली सीरीज में आपको ये भी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप फोटोग्राफर नहीं हैं तो आप कहाँ से कैसे पिक्चर उठाएंगे और सेल करेंगे दूसरी वेबसाइट पे जाके। तो बहुत सिंपल है, मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ, करना आपने खुद है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप जस्ट बताते हैं, आप खुद नहीं करते, आप ये नहीं करते, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं जस्ट एक साइड पे रहना चाहता हूँ। अगर एक इंसान अगर बहुत सारी जगहों पर जाता है, लाइक इस साइड भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, तो वो ना इस साइड का रहेगा, ना इस साइड का और ना यहाँ का। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एक जगह पकड़ लें, एक नहीं तो दो जगह पकड़ लें और वहाँ पर ही आप मेहनत करें और वहाँ पर ही आप आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप एक जगह पर मेहनत करते हैं, स्टिल मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को न्यू मिलती हैं जहाँ पर आप बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बट अगर आप ये भी चीज़ पकड़ेंगे, ये भी पकड़ें, मतलब 5-6 चीज़ें एक बार पकड़ के करने लग जाएंगे, तो आपसे एक भी सही नहीं होगी और दूसरी भी सही नहीं होगी। दैट्स वाई माय स्टोरी इज़ दैट के मैं हर चीज़ को नहीं पकड़ के चल सकता। अब यूट्यूब पे जो वीडियोस बनती हैं तो इस पे भी काफ़ी मेहनत लगती है, लाइक रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको एडिट करना पड़ता है, एडिट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कट लगाने पड़ते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद जब अपलोडिंग का काम आता है तो अपलोडिंग में आपको टैग्स फाइंड करने पड़ता है, आपको थंबनेल रेडी करना पड़ता है, तो बहुत सारा टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है कि मुझे बाकी कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और जाकर करूँ। मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, तो मतलब एक जगह पर मैं मेहनत करूँ और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो में जस्ट इतना ही था,
आपको जस्ट ये वेबसाइट्स की कंपैरिजन बताने थे कि आप गूगल इमेज अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।